साजिश में आज सबसे पहले बात होगी मॉस्को की, जहां आसमान पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वहां ये है कि जेलेंस्की अब सीधे मॉस्को पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं, और ठीक इसी वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के रॉकेट भी यूक्रेन की फौज के पास पहुंच गए। यानी एक बहुत बड़ी साजिश और डबल गेम यूक्रेन की जंग में शुरू हो चुका है। पूरे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। मॉस्को में लगातार बैरिकेडिंग्स की जा रही है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। पुतिन के आदेश पर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात मिसाइल सिस्टम को सुपर अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को की सुरक्षा का जिम्मा पुतिन के खास कमांडरों को सीधे सौंप दिया गया है। रूस के अंदर पुतिन की आर्मी सुपर अलर्ट मोड पर भेज दी गई है। आखिर अचानक मॉस्को के अंदर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, और इस सवाल से भी पर्दा उठाने वाले हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन डबल गेम खेल रहा है। आखिर यूक्रेन की सेना किम जोंग के रॉकेट से पुतिन की आर्मी पर हमला कैसे और क्यों कर रही है? साथ ही इस सवाल का जवाब भी हम तलाशने जा रहे हैं कि आखिर पुतिन रूस से बाहर निकलने से क्यों घबरा रहे हैं। क्या जेलेंस्की ने ही पुतिन को रूस में कैद कर दिया है? इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मॉस्को की, जहां पर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन्स के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। रूस की सेना ने बहुत जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ड्रोन के हमले के बाद पुतिन के कैंप में खलबली मच गई है। क्रेमलिन को सुपर अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। मॉस्को में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया है। मॉस्को के आसमान में किसी भी हवाई जहाज के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस हमले में मॉस्को की दो इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सवाल यह है कि आखिर जेलेंस्की मॉस्को पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? दरअसल पुतिन से जेलेंस्की कीव का बदला ले रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध को 500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, और इतने दिन में यानी पूरे यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा हमले सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो चुके हैं। इसीलिए कीव का बदला लेने के लिए जेलेंस्की सीधे रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। मॉस्को पर हुए ताजा हमलों के बाद रूस की राजधानी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया है कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला रात के वक्त किया था, जिसमें दो ऑफिशियल बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब जेलेंस्की ने मॉस्को पर ड्रोन हमला किया है। अब जेलेंस्की लगातार ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दो दिन पहले भी यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि उसने यूक्रेन के मानव रहित वाहन को रूस के एयर डिफेंस से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा है। रूस ने दावा किया है कि उसने एक तो नहीं पूरे 5 यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के ड्रोन्स ने मॉस्को के वनुको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करके कामकाज रोक दिया था। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इसी पॉलिसी पर चलते हुए अब जेलेंस्की को लगता है कि जब तक मॉस्को पर हमला नहीं होगा पुतिन युद्ध बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावे कर रहे हैं कि पुतिन जानबूझकर जेलेंस्की को हमले करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि अगर मॉस्को पर जेलेंस्की हमला करेंगे तो इससे पुतिन को लाभ ये होगा कि रूस के अंदर यूक्रेन के खिलाफ गुस्सा भड़केगा,
रूस के लोग सेना में भर्ती होने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। रूस के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ेगा। पुतिन की सत्ता रूस में और मजबूत होगी। ज़ेलेंस्की की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि रूस के तगानरोग शहर में भी हमला किया गया है। यह हमला यूक्रेन ने S-200 मिसाइल से किया था, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन के सैनिक जंग में नॉर्थ कोरिया के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये रॉकेट उन्होंने रूसी सैनिकों से अपने कब्जे में लिए हैं। यूक्रेन के बखमूत शहर के पास सेना नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल करती नजर आई है। अमेरिका लगातार तानाशाह किम पर रूस को समुद्र के रास्ते हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाता रहा है। दोनों देशों ने लगातार अमेरिका के दावों को खारिज किया है। हालांकि तानाशाह किम ने लगातार यूक्रेन पर रूस के हमलों को जायज ठहराया है। 27 जुलाई को नॉर्थ कोरिया की विक्ट्री डे परेड में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। तब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के डिफेंस एग्जीबिशन में बैलिस्टिक मिसाइलें भी देखी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे खतरनाक गेम नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कर रहा है? दरअसल खबर यह है कि यूक्रेन के सैनिक जंग में नॉर्थ कोरिया के रॉकेट्स का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब यूक्रेन के युद्ध में पुतिन और किम जोंग साथ साथ हैं, तो फिर सवाल यह है कि आखिर रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के पास किम जोंग के रॉकेट कहां से पहुंच गए? ये सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब सिर्फ 3 दिन पहले ही किम जोंग उनके देश नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने एक बड़ा दौरा किया है। ये दौरा कितना बड़ा और कितना अहम था, आप इस बात से समझ सकते हैं कि सोवियत संघ टूटने के बाद ये पहला मौका था जब 30 सालों में पहली बार रूस के रक्षा मंत्री नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने किम जोंग को राष्ट्रपति पुतिन का एक लेटर भी सौंपा। इसके बाद किम ने मिलिट्री डेलीगेशन भेजने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया था। रूस के रक्षा मंत्री ने प्योंगयांग के अंदर खतरनाक हथियारों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया था। रूस के डेलीगेशन की यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह बयान भी दिया था कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब कुछ सीक्रेट नहीं रहा है, पुतिन दूसरे देशों से जंग में मदद मांग रहे हैं और इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। सैंक्शंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, रशिया इज सर्चिंग फॉर आर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग थ्रू वाग्नर। इन रीसेंट वीक्स वी हैव सीन नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स फॉल्सली डिनाई दैट दे हैव प्रोवाइडेड आर्म्स टू वाग्नर। As we have said publicly, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by Wagner toward the end of last year. So today, we are releasing some imagery of this initial delivery. यही नहीं, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा चुका है कि किम जोंग उन वैगनर को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। फिर आखिर नॉर्थ कोरिया के रॉकेट से यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा रूस पर हमले का सच आखिर क्या है? दरअसल यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन के बखमूत शहर के पास यूक्रेन की सेना ने नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया है और ये रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों को हराकर अपने कब्जे में लिए हैं। यानी यूक्रेन रूस को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में हराना चाहता है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जा रहे हैं। पुतिन ने इसे लेकर कहा कि इस वक्त उनका रूस में रहना ज्यादा जरूरी है। पुतिन वीडियो लिंक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल होंगे और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। दरअसल पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराध करने, गैर कानूनी तरीके से बच्चों को विस्थापित करने और लोगों के गैर कानूनी पलायन के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ऐसे में रूस के छोड़ने के बाद पुतिन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका पर भी पुतिन की गिरफ्तारी का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। यानी ये कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी कूटनीति से पुतिन को मॉस्को में ही कैद कर दिया है। वहीं रूस से युद्ध के बीच में ही यूक्रेन को अमेरिका की सहायता मिलना लगातार जारी है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजने का भी ऐलान किया है।
यूक्रेन को रूस से युद्ध के लिए अभी अमेरिका और भी कई आधुनिक हथियार देने की प्लानिंग में जुटा हुआ है।